नमस्कार, मैं आयता वैभव आप सभी लोगों का वापस से स्वागत करता हूं हमारी नई श्रृंखला जो कि अब नई तो नहीं रही, आप सब लोग इससे भरी भांति परिचित हो चुके हैं, बिहार ऑन मैप यानी कि नक्शों पर बिहार। और आज मैं आप सबको एक और नया एपिसोड के साथ कवर अप कराने जा रहा हूं। और आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं हमारे बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कि हमारे बिहार के कृषि जलवायु के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले आप सारे के सारे लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष में टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और इस 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जो चौथा एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे बिहार में आता है और ये 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स फर्दर 6 सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमारे बिहार में आता है। इस 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है सबसे पहले आपका जोन 1, फिर आपका आता है जोन 2, फिर आपका आता है जोन 3 और जोन 3 फर्दर आपके दो कैटेगरी में ए और बी आपके फर्दर डिवाइडेड है। तो आइए हम लोग जानते हैं हमारे बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। सबसे पहले अगर आप बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को देखिएगा तो मेरे पीछे मानचित्र पर आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 जो है यह हमारे नॉर्थ वेस्ट जो हमारा उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र है वहां पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। साथ ही साथ हमारा जोन 2 जो है वह हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र पे नजर आता है और सदर्न बिहार जो है हमारा यानी कि साउथ बिहार हमारा जोन 3 में आपके आता है। अब आगे अगर हम लोग बढ़े फर्दर तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे जोन 1 के बारे में तो हमारे जोन 1 में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक बार बीपीएससी यहां से क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में है, तो जोन नंबर 1 में जहां पे हमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को नजर आते हैं। इसके अलावा इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात अगर हम लोग करते हैं, यहां पे नदियों की बात अगर हम करें तो यहां पे सबसे पहले आपको गंडक, यहां पे घगर, यहां पे बूढ़ी गंडक, यहां पे बागमती और यहां पे कमला नदी, आपको इतनी सारी नदियां नजर आ जाती है। मिट्टी की बात करते हैं तो सैंडी लोम बलुई समेत यहां के मिट्टी की पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर के 8.4 आपके नजर आ जाती है। वर्षा यहां पे 124.5 सेंटीमीटर और तापमान लगभग अगर देखा जाए तो 36.6 से लेकर के मोटा मोटी अगर हम कह सकते हैं तो लगभग 37.7 के आसपास तापमान यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग दूसरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन नंबर 2 है, यहां पे आपके टोटल आते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट। यहां के अगर हम लोग नदियों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पे आपको नजर आएगी कोसी, यहां पे आपको नजर आ जाएगी महानंदा और उसकी सहायक नदी। यहां की मिट्टी की बात हम लोग करते हैं तो बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी और यहां की पीएच वैल्यू की बात अगर हम लोग करते हैं तो 6.5 से लेकर के 7.8 यहां की आपके पीएच वैल्यू नजर आ जाती है। साथ ही साथ यहां पे वर्षा जो है काफी अच्छी होती है और एक एवरेज रेनफॉल इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात अगर हम लोग करते हैं तो 145 सेंटीमीटर एवरेज क्लाइमेटिक जोन आपको यहां पे नजर आ जाता है। इसके बाद फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं और एग्रो क्लाइमेटिक जोन नंबर 3 फर्दर आपके दो कैटेगरी में ए और बी डिवाइडेड है। ए हमारा हो जाता है साउथ वेस्टर्न एरिया और बी हमारा हो जाता है साउथ ईस्टर्न एरिया। सबसे पहले अगर हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ये 3 की बात अगर हम लोग करें तो यहां पे नदियों की बात अगर हम देखें तो यहां पे आपको कर्मनाशा, यहां पे आपको नजर आ जाती है सोन, सोन के बगल में आपको पुनपुन, फाल्गु, क्यूल और यहां पे अजय नदी, साथ ही साथ चंदन नदी आपको मुख्य रूप से यहां पे नदियां नजर आती है। यहां की मिट्टियों की बात करते हैं तो बलुई दोमट और चिकनी दोमट, पीएच वैल्यू यहां पे 6.8 से लेकर के 8 पीएच वैल्यू तक नजर आ जाता है। बारिश यहां पे थोड़ी कम होती है, 111.5 सेंटीमीटर सालाना आपके बारिश होती है ऑन एवरेज। यहां का तापमान थोड़ा ज्यादा 37.1 आपको मौजूद नजर आ जाता है। तो साथ ही साथ हम लोगों ने हमारे बिहार के जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे उन सबको हम लोगों ने देखा हमारे बिहार के नक्शे पे। ये हमारी छोटी छोटी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका जो जिला है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है इसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग जरूर लिखे। साथ ही साथ जितने भी आपके दोस्त महीम सखी सहेली और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें इस सेशन को जरूर पहुंचाएं और वीडियो आपको पसंद तो आया ही होगा तो लाइक एक बार जरूर कर दें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप सारे के सारे लोग जरूर कर दें। तो मिलते हैं वापस से हम नए एपिसोड के साथ, फिर से एक नई पहल के साथ, एक नए हमारे बिहार ऑन मैप और जिला दर्शन जो एपिसोड चल रहा है, दो हमारी सीरीज चल रही है इसमें रोज आपको एक नए एपिसोड मिल जाते हैं। तो मिलते हैं वापस से एक और नए सीरीज के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।